चुका जाने का टाइम। भाई लोग निकल चुके अपने घर से, तो फिलहाल फिर भी कमाल। तो आपकी हेलो तो रिकॉर्ड हो चुकी है। कौन हो आप? डैडी कहते हैं व्लॉग में लेता है। पता नहीं भाई क्या चक्कर है इसका, अपने नखरे दिखा रही है। और सुबह सुबह स्कूटी का स्टार्ट। अच्छा, अगर आपके पास एक्टिवा है 5G या 4G जो भी आपके पास है, तो एक बार दिन में ज़रूर से किक मारा करो। अगर किक मारते हो ना तो स्कूटी की हेल्थ अच्छी रहती है। किक नहीं मारोगे तो यार उसका सेल्फ जो है, अगर बैटरी डाउन हो गई तो फिर किक आपके पास चांस बचा है नहीं, क्योंकि तब तक आपकी किक की जो जान है वो पूरी ख़त्म हो गई होती है और जो आपकी किक है वो जाम हो चुकी होती है। भाई लोग निकल चुके अपने घर से, और घर से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही है जहाँ पर हमने जाना है। जहाँ लास्ट टाइम गए थे हम, वहीं फिर से दोबारा वहीं जा रहे हैं। और कॉल आ गई बीच में उनको, क्योंकि मैं लेट हो चुका हूँ बहुत ज़्यादा। चलो वहाँ हम पहुँच के मिलता आपसे। अब देखो भाई साहब पार्किंग, आहा पार्किंग पार्किंग पार्किंग, यहाँ से शुरू हुई है पार्किंग। ये पूरा रोड भरा पड़ा है इन्होंने, पूरा गेट के आगे तो झुंड बना रखा है स्कूटी बाइकों का। और आपको अगर गाड़ी पार्क करनी है तो थोड़ा आगे। आज तो फिलहाल फिर भी कम है, लास्ट टाइम तो और भी ज़्यादा था। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। वो पीछे मेरी स्कूटी खड़ी है और आज मैं हो चुका हूँ डबल लेट। लास्ट टाइम तो फिर भी 7:15 तक आई थिंक आ गया था मैं, लेकिन आज तो 7:30 से ऊपर हो गया टाइम। जल्दी से फटाफट भाग रहा हूँ मैं नहीं देख रहा इधर उधर कुछ भी। भाई भागो भागो। हाँ पार्किंग तो मैंने आपको पहले दिखा दी ना, कितनी ज़्यादा आसानी से पार्किंग मिल जाती है यहाँ पर। और मुझे नहीं लगता लास्ट टाइम की तरह आज भी कन्फ्यूज़न होगी, क्योंकि लास्ट टाइम पता लग गया था ये लोग कहाँ खड़े हैं। अब देखते हैं वहीं पर है कि नहीं। एक लास्ट वीडियो पे एक कमेंट आया था गुरुद्वारे को लेकर, जहाँ पर हम गए थे ना अपने डैडी के लिए। तो मैं ना अभी थोड़ी देर बाद में बताता हूँ उस गुरुद्वारे के बारे में। A few moments later. So भाई अपना एक सेशन हो चुका है कम्प्लीट, वीडियो बन चुकी है हम सबकी, और एक और सेशन अभी चल रहा है फिलहाल। और पीछे देखो ये क्या हो रहा है, ये देखो पापा रो रहा है। हर्ष शर्मा क्या हो गया? ये बच्चे कर रहे हैं एंजॉय। और हमारी एक वीडियो का सेशन कंप्लीट हो चुका है, और सेकंड वीडियो का सेशन सर वहाँ पीछे रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ये यहाँ पर सर रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो। और ये सेक्शन ज्वाइन कर रहा है हेलो। तो आपकी हेलो तो रिकॉर्ड हो चुकी है इसके अंदर, ओके। और इसके बाद आपकी वीडियो बनेगी, फिर उसको अंदर भी दिखाएंगे आपको, ओके। क्यों नहीं रहे आप? पार्टनर फैमिली मेंबर यार, फैमिली मेंबर तो मैं चक्कर दिला दिया इतने लंबे लंबे झूले लगा। कौन हो आप? ओ कोचू क्या हो? मैं, मेरे को तो पता मैं हर्ष शर्मा हूं, लेकिन आप कौन हो सब? आपको अपना पता है लेकिन हमारा नहीं पता, ये क्या बात है? यार बड़ा ओ भाई अब नहीं चलाओ यार, पहले मेरे को उतरने दो फिर बता दो। पट से हेडशॉट बच गया, हाइट छोटी थी इस वजह से नहीं हो पाया। बंपर की बॉल सुनी हमने। अरे क्या टाटा पावर कहाँ लिखा भाई? टाटा पावर में जॉब है क्या किसी की? गर्म हो गई है और काफी बंदे अपनी अपनी स्कूटियां लाए हैं, बाइक स्कूटी स्कूटी। चलो मिलते सेंटर में जाकर। लोग अपनी क्लास के बाद अब अपना सेशन हो चुका है कम्प्लीट, अब लोग जा रहे हैं घर को। ओके हर्ष भाई कल मिलते हैं। अरे वाह इतने सुंदर लग रहे हो आप, थैंक यू। चलो कल मिलते हैं, ठीक है? आज संडे है तो संडे के दिन फिर आज इतना ही। चलो ठीक है भाई, अब क्लास ख़त्म हो चुकी है, अब क्लास के बाद आप घर को जा रहे हैं। और हर्ष शर्मा बाय बाय। ओके बाय। हर्ष शर्मा को भी कि आगे से भी अपनी एनर्जी के साथ आओ, क्योंकि ज़िंदगी आपको ना दोबारा चांस नहीं देती, और ज़िंदगी में अपनी एनर्जी मेंटेन रखिए प्लीज़। थैंक यू सो मच फ्रेंड, बाय बाय। ओके सर बाय। तो अभी घर पहुंचा था और मम्मी की डिमांड आ गई कि जा जाकर छोले भटूरे लेके, तो भाई अब छोले भटूरे लेने जा रहे हैं। हाँ तो भाई अभी मैंने बताया था ना कि गुरुद्वारे साहब के बारे में, अरे यहाँ से व्यू अच्छा नहीं आ रहा, अच्छा रहा। हाँ तो भाई अभी मैंने कहा था ना कि गुरुद्वारे साहब के बारे में बताऊंगा, तो अभी बताता हूँ मैं गुरुद्वारे साहब के बारे में बताऊंगा। तो गुरुद्वारे साहब में आपको जो बाबा जी के चरण कमल के जो उनके जोड़ा साहब होते हैं वो आपके सिर पे लगाए जाते हैं, और उसके बाद आपको एक चरण टूल दी जाती है और एक परहेज बताया जाता है आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसके हिसाब से।
फोन के ऊपर होता वो आपको क्या बताएंगे, आपका परहेज क्या है, लेकिन आपको वो परहेज फॉलो करना और बाबा जी के अंदर विश्वास रखना, बिलीव कर। जैसे आपको बताया था कि डैडी का फ़र्क पड़ गया हमें एक हफ्ते के अंदर ही, तो आपको भी हो सकता है उससे कम टाइम में फ़र्क पड़ जाए, तो विश्वास ही बहुत बड़ी चीज़ है। सो भाई लोग अभी हो चुके हैं 7:30, अभी मैं जा रहा हूँ अपने भाई के लिए प्रिंट आउट निकलवाने। प्रिंट आउट किस चीज़ का? प्रिंट आउट किस चीज़ का कि कल उसका है एग्ज़ाम, और एडमिट कार्ड भाई साहब ने अभी तक निकलवाया नहीं है, और कल एग्ज़ाम है तो एडमिट कार्ड तो चाहिए वहाँ पर जमा कराने के लिए। तो अब मुझे ड्यूटी दे कि जाओ जाकर निकलवा कर लेकर एडमिट कार्ड, तो अभी जा रहे हैं अपनी स्कूटी पर और जाते हैं लेकर आते हैं। फिर घर से 100-200 मीटर दूरी के ऊपर ही हमारे पास एक फ़ोटो स्टेट या फिर आप कह लो प्रिंट आउट की शॉप है, तो वहीं जाते हैं और अभी लेकर आते हैं भाई प्रिंट आउट। अब एडमिट कार्ड तो दिखाना पड़ेगा ना, अगर पेपर के अंदर बैठना है तो एडमिट कार्ड तो दिखाना पड़ेगा। तो भाई ये आ चुकी है शॉप यहाँ पर, अब लेते हैं राइट। ओ बस आ गई, तो अब मिल चुका प्रिंट आउट, अब इसको रखते हैं डिक्की में। ओह डिक्की खोलना भी तो अब भाई हमने डिक्की में, डिक्की खोलना आसान नहीं है इसकी, एक हाथ से तो खुल ही नहीं सकती है ना, दोनों हाथ चाहिए चाहिए, क्योंकि एक में चाबी लगाओगे फिर इसको खोलोगे। एक मिनट फ्लैश दिखाता हूँ। अच्छा आप चाबी घुमाओगे और दूसरे हाथ से आपको ये दबाना पड़ेगा, तब जाके डिक्की खुलेगी। और जैसे अब ये पुरानी हो चुकी है तो डिक्की को हाथ से उठाना पड़ता है तभी खुलती, ऐसे नहीं खुलती। 43117 प्रिंट आउट निकलवा के भाई अब चलते हैं अपने घर को। और प्रिंट आउट वाले भैया बढ़िया थे यार, इनके साथ थोड़ी देर बात करी और अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिया, कह रहे यार पढ़ो लिखो। अच्छा ये प्रिंट आउट में ना सिर्फ एक पेज देते हैं 10 में, तो मैंने कहा मेरे से पूछते दोनों पेज चाहिए, मैं कहा भैया आपकी मर्जी है दे दो तो दे दो, कह रहा है यार तू पूछ रहा है यार ले, मैंने दोनों पेज ही दे दिए 10 में प्रिंट आउट निकाल के, वैसे नहीं देते किसी को। चलो ये बढ़िया चीज़ हो गई, चलो अब घर चलते हैं फिर। भाई अपनी स्कूटी में लगा डबल हॉर्न, और फिलहाल अभी मैं जब रस्ते से वापस आ रहा था तो पता नहीं एकदम मोड़ काटती क्या हो गया इसमें, और ये सुनो क्या बज रहा है, डबल हॉर्न का सिंगल हॉर्न भी नहीं बज रहा। अब पता नहीं इसमें क्या दिक्कत होगी, अब दिक्कत को चेक करेंगे सुबह और फिर आपको मैं जब इसका रिव्यू दूंगा ना प्रॉपर तब बताऊंगा इसके अंदर क्या क्या चीज़ हमने लगा रखी है। आप ये चीज़ यहाँ पर भी देख रहे हो ना, ये भी एक चीज़ हमने लगवा रखी है और काफ़ी कुछ इसमें हमने करवा रखा है, आपको मैं वीडियो के जब इसका रिव्यू दूंगा तभी दिखाऊंगा। यार ये मैं परसों चावल लेके आया था, मम्मी कह रही है इसके अंदर दिक्कत है। क्या दिक्कत है? इसके अंदर सारी स्मेल, अब इसको जाना पड़ेगा चेंज कराने, तो आप डैडी के साथ जा रहे हैं चेंज कराने, स्कूटी स्टार्ट कर ली है। चले जी डैडी कहते हैं व्लॉग में लेता, ये लो ले लिया व्लॉग। अभी मैंने थोड़ी देर आप लोगों को दिखा था ना इसका हॉर्न क्या हो गया था, और अभी देखो हॉर्न फिर से चालू हो गया डबल। पता नहीं भाई क्या चक्कर है इसका, अपने नखरे दिखा रही है, 4 साल हो गए ना इसको। इसका पूरा रिव्यू दिखाऊंगा ना तब बताऊंगा इसके क्या क्या नखरे हैं। तो अगर आप घर का राशन लेने आओ तो एक चीज़ से तो मन नहीं भरता ना, फिर अभी हमने क्या कहते हैं इसको रिफाइंड भी ले लिया भाई, रिफाइंड भी लेना था तो रिफाइंड भी ले लिया। अब चलते हैं घर को। अब वैसे यहाँ पर एक स्वदेशी दवाई खाना है तो कुछ डैडी ने अपनी दवाई लेनी थी, तो आई लेकर अब चलते हैं घर को, फिर ब्लॉग को भी एंड कर देते हैं।